नर्मदा जल घर घर पहुंच रहा है, जिन लोगों ने अमाउंट सबमिट नहीं किया है या कोई वजह है या कोई उनका वर्क या पेपर नहीं सबमिट हो पाया है अमाउंट के साथ, उनका रोक दिया गया। और हम लोगों को पूरा मतलब विश्वास है कि आलोक शर्मा जी बहुत 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 अच्छा कार्य करेंगे। आपका क्या योगदान है इस चीज में, आप महिलाओं को किस तरीके से इसलिए प्रयासरत कर रही हैं कि वे 400 पार की वोटिंग में सहयोग? नरेंद्र मोदी जी का जो अपने देश के लिए कार्य हो रहा है वो महिलाओं के लिए बहुत, पूरे देश के लिए ही। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। हेलो नमस्कार, मैं अमित नारायण द खबरदार न्यूज से। आज हमारे साथ है भोपाल लोकसभा सीट से महिला मोर्चे की कुछ कार्यकर्ता, बीजेपी के कुछ सदस्य। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी अपनी पार्टी और पार्टी के प्रति क्या संभावनाएं हैं और वो किस प्रकार से आने वाले होने वाले चुनाव को अपनी नजरिए से देखती हैं। श्रद्धा बैरागी, हुजूर विधानसभा 155। श्रद्धा जी, वर्तमान में 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, आप किस नजरिए से पूर्व में किए हुए सरकार के प्रयासों को या उनके कार्यों को देखती हैं? हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और आज 6 अप्रैल है और भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस था जो पूरे भारत में बहुत उत्साह पूर्वक मनाया गया है और हम लोग सभी अभी वहीं से आ रहे हैं। चुनाव 2024 विधानसभा का जो है, लोकसभा का जो चुनाव है उसमें जीत तो सुनिश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के विषय में कार्य कर रही है, उन्हें जो प्रोत्साहन दे रही है, उन्हें जो शिक्षा दे रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही है, उन्हें सहायता निधि भी प्रोवाइड कराई जा रही है जिससे वो अपने रोजगार को सीख कर अपना रोजगार सुचारू रूप से चला। किस टाइप की योजनाएं हैं सरकार की महिलाओं को लेकर, आप थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग्स चल रही हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग्स में यह रहता है कि आप सिलाई कढ़ाई है, आपका ब्यूटी पार्लर है, आप कोई कोचिंग क्लासेस की ट्रेनिंग लेकर चला सकती हैं, मेहंदी है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, छोटी छोटी चीजों, छोटे छोटे उद्योग, बड़ी पापड़ का जो उद्योग है उनकी जो भी बनाई है, सारी चीजें सीख के महिला घर में एक छोटा सा लघु उद्योग भी चालू कर रही है। आज एक आम जनता को, एक आम नागरिक को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे साथ, हम जो जनता से हम संवाद करते हैं उसमें ये बात निकल के आ रही है कि आम पब्लिक को उस चीज का लाभ नहीं मिल रहा है। जो योजनाएं आप मुझे बता रही हैं, हम बहुत से लोगों से मिले हैं और बातचीत की हमने, तो कहीं ना कहीं एक पक्षपात का रवैया रहा है कि शायद जो लोग आपसे जुड़े हैं या आपकी पार्टी से जुड़े हैं उनको ही प्राथमिकता दी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है उसी को बहना योजना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है, शायद भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी महिलाओं के लिए अगर कोई योजना चल रही है तो बहना योजना चल रही है जिसमें उन्हें 1250, आज आप अगर मेरा मोबाइल देखते अभी अमाउंट आ चुका है, जबकि अभी 10 तारीख भी नहीं है। नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ने तो 5 तारीख की घोषणा की थी कि 5 तारीख को आए, मगर क्या है सर्वर के थ्रू, एरिया वाइज थ्रू पब्लिक कितनी क्या क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जिले वाइज, तो एक दिन का समय तो लगता है एक ही साथ सबका। लेकिन ये तो मध्य प्रदेश सरकार की योजना हुई, मैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपसे पूछ रहा हूँ केंद्र सरकार की ऐसी क्या योजना है? केंद्र सरकार की अभी एक न्यू योजना लॉन्च हुई है जिसमें कि विश्वकर्मा योजना चल रही है, सीखो और कमाओ, उसमें आपका 5 से 15 डेज की ट्रेनिंग हो रही है, 5 से 15 दिन की। उस ट्रेनिंग में हम घर घर जाकर महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं, उनके फॉर्म फिल करा रहे हैं और ये योजना नगर निगम, सामाजिक कल्याण बोर्ड, महिला बाल विकास इनके तत्वाधान से भी हो रही है, केंद्र सरकार की अभी बिल्कुल लेटेस्ट योजना। अभी प्रधान, अभी जो प्रेजेंट में ये योजना है ये तो सिर्फ ग्राम पंचायतों के लिए, अभी नगर पालिका के लिए लागू नहीं की गई है। नहीं, प्रोसेस चल रही है, फॉर्म फिल हो रहा है, फॉर्म महिलाएं फिल कर रही है, हमारे इस क्षेत्र में ही हमने कम से कम 80 से 90 फॉर्म अभी 8 दिन पहले ही फिल करा है। लेकिन लोकसभा की आचार संहिता लगने से अभी उनका तो कुछ कोई प्रोसेस आगे नहीं, अभी सॉफ्ट कॉपी तो उनकी सबमिट हो चुकी है पर जो हार्ड कॉपी है वो आचार संहिता के बाद ही सबमिट होगी, मगर सॉफ्ट में तो हमने उनका डेटा फिल करवा दिया कि भाई जैसे ही आचार संहिता हटती है और लोकसभा चुनाव हम लोग जीतते हैं उसके बाद हम ये कार्य करेंगे। महिलाओं को प्रोत्साहन तो मिल रहा है, महिलाएं घरों से निकल रही है, कार्य कर रही है, योजनाओं का लाभ ले रही है, बहना योजनाओं का लाभ जिन्हें नहीं मिल रहा है उनके, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको भी तैयार करवाया जा रहा है कि आपके कौन से पेपर नहीं है जिसकी वजह से आपको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो सारी प्रोसेस तो चल रही है,
किसी भी काम में। अभी जो योजनाएं दीदी बता रही हैं ये तो पूर्व सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री की योजनाएं रही हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने अभी ऐसी कोई योजना लॉन्च की है क्या मध्य प्रदेश में? आपको कोई ऐसी योजना जो महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री जी ने या लागू की हो आपको पता हो शायद? बहना योजना का मुख्यमंत्री जी ने लागू किया हुआ था, और अभी तो लेटेस्ट में अभी अपना विश्वकर्मा योजना जो चल रही है उसी के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और जो जमा हो रहे हैं इस सिलसिले में। और भी आपको क्यों लगता है ऐसा कि 400 पार का आंकड़ा सिर्फ हम महिलाओं के दम पे ही पार कर पाएंगे? नहीं, महिलाएं भी हैं, सब युवा है, सारे लोग हैं, युवा तो त्रस्त हैं। युवा कहते हैं रोजगार पे काम नहीं कर रही सरकार, शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रही है, एक महिलाओं को बस लाडली बहना योजना का ही सहारा सरकार इस चर्च का मान रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सबका अपना अपना सोच है, बट सब लोग मिलके ही सब एक साथ चलते ये सारी चीजें और कोशिश करेंगे कि हम लोग सब 400 पार ही कर सकें। जैसे लेकिन ये तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर था, जो विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने लाडली बहना योजना की वजह से बम्पर वोटिंग की है, तो उसके हिसाब से अगर अपन देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन हम पूरी लोकसभा चुनाव को अगर देश के नजरिए से देखें तो आपको लगता है कि महिलाएं बम्पर वोटिंग करेंगी? करेंगी, बम्पर वोटिंग करेंगी और 400 पार। आपका क्या योगदान है इस चीज में? आप महिलाओं को किस तरीके से इसलिए प्रयासरत कर रही हैं कि वे 400 पार की वोटिंग में सहयोग? नरेंद्र मोदी जी का जो अपने देश के लिए कार्य हो रहा है वो महिलाओं के लिए बहुत पूरे देश के लिए ही है, इसलिए सभी लोग इससे 400 पार। विकास निरंतर हो रहा है। देखिए विकास की बात हो रही है, विकास निरंतर हो रहा है। हम बहुत सी महिलाओं से भी मिले हैं जिनने बोला है कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, गैस चूल्हे में मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ लोगों ने पानी की भी शिकायत दी कि नल जल योजना का हमें लाभ नहीं मिला है। आपको लगता है कि इन चुनावों के बाद जो मौजूदा सांसद रहेंगे चाहे वो किसी भी पार्टी से रहें तो आप उनसे ये कार्य के लिए प्रयास करवा पाएंगी? प्रयासरत तो हम लोग हैं, अभी हमारे यहाँ देखिए 8 दिन ही हुआ है, रोड निर्माण हुआ है, क्यों ये आचार संहिता के पहले से कार्य चल रहा था इसलिए इस कार्य को रोका नहीं गया। नर्मदा जल प्राप्त हो रहा है, अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय विधायक जी रामेश्वर शर्मा जी आए थे, नर्मदा जल घर घर पहुंच रहा है। जिन लोगों ने अमाउंट सबमिट नहीं किया है या कोई वजह है या कोई उनका वर्क या पेपर नहीं सबमिट हो पाया अमाउंट के साथ, उनका रोक दिया गया, क्योंकि जो नियम के अनुसार चलेगा उन्हें तो पानी मिल रहा है और पर्याप्त पानी मिल रहा है। आलोक शर्मा, भूतपूर्व महापौर भोपाल के, भोपाल में महापौर पद पर रहते हुए आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो महापौर पद पर रहते हुए ऐसे कोई कार्य किए हो जो आज हम लोकसभा चुनाव में उनको चुनाव सांसद के रूप में चुने? हमारे माननीय आलोक शर्मा जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उन्होंने महापौर पद पर रहते हुए उनका जो योजनाओं का क्षेत्र रहा है, उनका जो कार्य क्षेत्र रहा है उस पर तो उन्होंने कार्य किया है। अब उन्हें हम एक सांसद के रूप में लेकर आ रहे हैं हमारे भोपाल की ओर से, और हम लोगों को पूरा मतलब विश्वास है कि आलोक शर्मा जी बहुत 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 अच्छा कार्य करेंगे और सांसद जी हमारे बिल्कुल सांसद बन के आएंगे आलोक शर्मा जी। विधानसभा चुनाव में तो वो 2 बार हार चुके हैं। देखिए ऐसा होता है कि सभी प्रकार के लोग, पार्टी ने उन पे विश्वास क्यों करा आपको कोई एक कारण बताइए, क्या कारण लगा उन्हें कि लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्हें भोपाल सीट से उन्हें चुनाव? जब वो महापौर थे तो उनका जो कार्य है, कार्यकारिणी है, उनका जो कार्य करने की रूपरेखा है, जनता को जोड़ने की, लोगों को सहयोग करने की, घर घर तक योजनाओं को जो पहचान पहुंचाने की है, तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उस कार्य की रूपरेखा को उन्होंने देखा है, उनको लगा कि वो इस लायक हैं आलोक शर्मा जी, जिन्हें सांसद का पद दिया जाए जनता। आप आलोक शर्मा जी के निवास स्थान पुराना भोपाल के क्षेत्र में गए हैं जहाँ उनका निवास स्थान? आप आलोक शर्मा जी के जो संसदीय क्षेत्र है उनका, जो उनका निवास स्थान है ओल्ड भोपाल में, आपने वो स्थान देखा? लेकिन वहां की पुराने भोपाल का वो इलाका जहां आलोक शर्मा जी निवासरत हैं और रहते हैं, कुछ विकास नहीं दिखा मुझे वहां पर, क्योंकि पूर्व की तरह वहां पर अतिक्रमण की समस्या सबसे बड़ी है, विकास के नाम पर रोडे नहीं है, और बहुत सी शिकायतें लोगों को रही हैं उनसे कि आलोक शर्मा जी के महापौर पद पर रहते हुए भी वहाँ विकास नहीं हुआ है, क्या कारण हो सकता है? नहीं, विकास तो हुआ है, रोडों का निर्माण हुआ है, जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के रहते हुए हुआ है उतना तो किसी अन्य सरकार के रहते तो नहीं हुआ।
भोपाल अगर आप देखो, कोलार क्षेत्र देख लीजिए आप, होशंगाबाद रोड देख लीजिए हमारे। मैं सिर्फ आलोक शर्मा के एरिया की बात कर रहा हूँ, जो चौक क्षेत्र के लिए उन्हें हेरिटेज के लिए लॉन्च करा था, आज वो योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। नहीं, थोड़ा सा क्या है, नगर पालिका के थ्रू जो अतिक्रमण वाले जो क्षेत्र है, जो दुकानें लग रही हैं, उनको समय समय पर हटाया जाता है, पर डे तो व्यक्ति जाके नहीं हटा सकता ना ठेला, उसको उन्हें हटाया जाता है, पुनः वो कर लेते हैं। तो सरकार तो अपना कार्य कर रही है समय समय पर। देखिए, महापौर के पद पर रहते हुए उनका दायरा भोपाल क्षेत्र तक सीमित था। एक मौजूदा सांसद, आप अगर आपकी आपको लगता है कि वो सांसद बनेंगे, उनका लोकसभा क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, बहुत सी जवाबदारियां होंगी। क्या लगता है आपको कि भोपाल के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की उन जवाबदारियों को बखूबी निभा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल, सीहोर के आसपास के जो भी क्षेत्र है, सांसद बनेंगे हमारे आलोक शर्मा जी, तो बिल्कुल पूरे क्षेत्र पर उनकी नजर रहेगी, पूरे क्षेत्र पर आपको विकास दिखेगा और जन जन तक हम लोग योजनाओं को पहुँचाने का कार्य करेंगे। उनके साथ हम सभी कार्यकर्ता भी मिलकर जन जन तक योजनाओं को पहुँचाने का कार्य करेंगे। मोहन यादव अच्छे मुख्यमंत्री हैं कि शिवराज सिंह चौहान अच्छे मुख्यमंत्री? हमारे लिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी तो मुख्यमंत्री थे, वो आ समय मतलब निरंतर हैं, अभी भी हम उन्हें मुख्यमंत्री जी ही कहते हैं। और मोहन यादव जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी जो शिक्षा को लेकर प्रणालियां चल रही है, जो उनकी रूपरेखा चल रही है, वो बहुत जबरदस्त है। आने वाले कुछ सालों में मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली बहुत उच्च स्तर पर चली जाएगी, बहुत बहुत हाई लेवल तक, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की, मैंने बीसीए किया मखनलाल यूनिवर्सिटी से, मगर अब जो मैं मुख्यमंत्री जी का जो कार्य देख रही हूँ और जो शिक्षा के प्रति उनका रुझान देख रही हूँ, क्योंकि एजुकेशन को लेके वो बहुत बहुत सक्रिय है, बहुत प्रयासरत है कि हम जो हमारे आने वाले भविष्य उनको शिक्षित करें, हमारे राज्य का विस्तार हो, हमारे देश का विस्तार हो और हमारे देश का परचम पूरे विश्व में लहराए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये, आप भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पे, अभी तो जो सवाल आपने जवाब दिए वो एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अभी आप बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं है, एक भारत की नागरिक है, मोदी जी को आप कितने नंबर देंगी इस कार्य? 100 of 100। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू।